हेलो गाइस, मैं हूं आदिल। और जब कभी आप बोर हुए होंगे तो आपको मूवीज देखने का ख्याल तो आया होगा। और आजकल की 2 घंटे की मूवीज अगर आपको लंबी लगती है तो मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ 2 सेकंड्स की है, एडम्स एप्पल, जो गले से बाहर के लिए निकली हड्डी होती है। ये ज्यादातर मेल्स में ही क्यों होती है और फीमेल्स में तो ये बहुत बहुत कम होती है, भला ऐसा क्यों? फ्रेंड्स, अगर आप जम्मू कश्मीर से हो तो आपको चेनाब रिवर के बारे में मालूम ही होगा, लेकिन संस्कृत में भी इसका एक नाम है और एक महाभारत कॉमन नाम भी है। इसके अलावा आपको फ्रेंड्स बॉल पेन का पता होगा, फाउंटेन पेन का पता होगा, जेल पेन का भी पता होगा, पर एक ऐसा पेन भी है जो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट पेन है। और आज के इस एपिसोड को देखने के बाद आपकी नॉलेज की बाउंड्री बढ़ जाने वाली है। बस फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक आप सब मेरे साथ बने रहें और इन सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। सो ऑन ए मार्क, गेट सेट, गो। मूवीज तो हम सब देखते हैं और ज्यादातर मूवीज की लेंथ 1.5 घंटे से 2.5 घंटे तक होती है, पर एक ऐसी मूवी भी है जिसकी लेंथ सिर्फ 2 सेकंड्स की है और इस मूवी का नाम बाउंड्री गार्डन है, जो कि दुनिया की पहली मोशन पिक्चर्स फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया था फ्रेंच इन्वेंटर लुईस ले प्रिंस ने 1888 में। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एडम्स एप्पल के बारे में। नो, ये कोई खाने वाला एप्पल नहीं है, बल्कि गले से बाहर के लिए निकली हड्डी को एडम्स एप्पल कहते हैं। और मेरा एक दोस्त ये कहता है कि जिसकी नियत खराब होती है उसे एडम्स एप्पल होते हैं। और मेरे दूर के अंकल का ये मानना है कि जिसका दिल बड़ा होता है उसे ही गले की हड्डी बाहर के लिए होती है। पर ये फीमेल्स में क्यों नहीं होता? क्या सारी लड़कियों की नियत साफ होती है और दिल छोटे होते हैं? बट फ्रेंड्स, हम बात करेंगे लॉजिकली और साइंटिफिकली। मेल्स जब प्यूबर्टी की स्टेट में आते हैं तो कई सारे चेंज इनकी बॉडी में आते हैं और तब टेस्टोस्टेरोन की परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है। लैरिंक्स, जो के वॉइस बॉक्स होता है, इसके ही साथ में थायराइड कार्टिलेज, जो के सॉफ्ट बोन्स है, इसका साइज भी इंक्रीज होता है, लैरिंक्स का साइज भी बढ़ जाता है। सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती, किसी में टेस्टोस्टेरोन की परसेंटेज ज्यादा होती है और किसी में कम। यही वजह है कि किसी के एडम्स एप्पल ज्यादा और किसी के कम होते हैं, लेकिन फीमेल्स में तो एडम्स एप्पल दिखते ही नहीं। दरअसल फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन की परसेंटेज बहुत कम होती है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की परसेंटेज ज्यादा होती है। फीमेल्स के एडम्स एप्पल ग्रो तो होते हैं बट मेल्स के कंपैरिजन में बहुत कम। फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपने अगले फैक्ट्स की ओर, जो कि है चेनाब रिवर। भगलियार, दुलहस्ती जैसे बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इस रिवर पे बने हैं और चेनाब का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से होता है और इंडस रिवर में जाके मिल जाता है। संस्कृत में इसे असिकिनी कहते हैं। इसके अलावा चंद्रभागा भी चेनाब रिवर का नाम है। चंद्र और भागा दो दरिया हैं जो एक साथ मिलते हैं और चंद्रभागा नाम पड़ता है। फ्रेंड्स, ये सुना तो होगा, मेरी कलम तेरी तलवार से ज्यादा तेज है। तेज का तो पता नहीं पर बाहरी जरूर है। हैदराबाद में एक ऐसा पेन बनाया है आचार्य मुखनूरी श्रीनिवास जी ने, जो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट पेन है। 5.5 मीटर लॉन्ग और 37.23 किलोग्राम का वेट इसे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पेन बनाता है और इसे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ फैक्ट्स और कमेंट में ये बताएं कि इनमें से कौन सा फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लगा। और फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं आपको 2 और वीडियो के साथ छोड़ रहा हूँ जो स्क्रीन पे शो हो रही है। क्लिक करें इन पे और अपनी नॉलेज की बाउंड्री को इंक्रीज करें।